चंदन कुमार राय जी के ज्ञान में मेले का इनकार किया गया। इस मेले का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको ये चंद इम्प्लीमेंट के औजार दे दें और आप ले जाएं और घर में रख दें या लेके इसको इस्तेमाल भी कर दे तो यही हो गया और यही फाइनल है, ये नहीं है। अगर आप आए यहाँ आए हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी चंद बातें जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। हालांकि पॉसिबल नहीं कि हम हर घर जा सके क्योंकि डिपार्टमेंट में इतने मैन पावर नहीं होती। ये इंडियन आर्मी की एक 37RR की तरफ से ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया, इंडियन आर्मी सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, मैं तो कहूंगा ये मल्टीपर्पज आर्मी है। जब कोई जलजला आ जाए तो वहां देखो आर्मी का क्या रोल होता है, कोई तूफान आ जाए, कहीं बादल फट जाए, कहीं रास्ते बंद हो जाए, कहीं कोई भी मुसीबत हो, कहीं मुश्किल हो, अपनी ड्यूटी के अलावा, बॉर्डर की ड्यूटी के अलावा या बड़ी बड़ी जंगों में काम करने के अलावा ये आवाम तक और हर घर घर तक पहुंचते हैं, ये इनकी बड़ी बात है और ये मुबारक के मुस्तहिक है हमारी इंडियन आर्मी के। ये हर घर में नहीं, हर दिल में, हिंदुस्तानी के हर दिल में बसती है और इन्होंने कोशिश की कि वो आज के ये वो लोग जो ज्यादा इसके मुस्तहिक हैं, हम देख रहे थे कि उनको बिल्कुल वेरीफाई करके वो एक एक आदमी के पास जा रहे थे और उसका पता पूछ रहे थे ताकि किसी ये जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ये औजार हैं, ये ठीक मुस्तहिक आदमी के पास पहुंचे। अब मैं आता हूं आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ। यहां आप आते जाते देखते होंगे हमारे एक दो तीन फार्मर्स हैं जो हमारे साथ रजिस्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ करीम जी हैं, वो देखो कितना अच्छा, यही इम्प्लीमेंट्स हैं उनके पास, तो हाथ में रहते हैं उनके 12 घंटे तो, और वो एक खेत से जिसमें से हम 5000 रुपया नहीं कमा